आदाब, नमस्कार। मैं हूँ आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। जरा इन्हें देखिए, तो पहचाना आपने? नहीं ना, वाकई इन्हें पहचानना बहुत मुश्किल है। मैं आपको बताती हूँ, ये थी हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पहले दौर की टॉप मोस्ट हीरोइन ललिता पवार, जो बाद में बन गई थी बहुत खतरनाक वैम्पायर। क्या किया इसने? कहाँ गई थी ये? फूल रानी, जवाब दे मुझे, सच सच बता, वरना खाल खींच लूंगी तेरी। लड़की ने जरूर आज कुछ हुआ है। आइंदा कभी इस तरह देर न कराइएगा इन्हें। आप नहीं जानते कैसे कैसे ख्यालात आते हैं मेरे दिमाग में। जल्लाद कहेंगी। ललिता पवार पहले हीरोइन थी, फिर बन गई बहुत ही खतरनाक वैम्प, और उसके बाद वो करेक्टर रोल्स करने लगी। उनकी एक बहुत ही मशहूर और सुपरहिट फिल्म आई थी अनाड़ी, और उस फिल्म में उन्होंने बहुत ही प्यारा सा रोल किया था, और उस फिल्म में उनका नाम था मिसेस डीसा, जो आज तक लोगों को याद है। आशा, 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 तुम उनकी बातों को बुरा मत मानो, मिसेस डीसा का ये मतलब नहीं था। ललिता पवार बहुत सीनियर थी, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने उनके साथ भी कई फिल्मों में काम किया था, बचपन में भी और बड़े होने के बाद भी। वो मुझे बहुत ज़्यादा चाहती थी। एक दिन हिम्मत करके मैंने पूछ ही लिया कि आंटी जी, आपकी एक आँख बड़ी है और एक आँख छोटी है, ये कैसे हो गया? तो कहने लगी, भगवान की कृपा। लेकिन ऊपर वाले भगवान की कृपा नहीं, ये जो एक्टर है ना, एक्टर, इस भगवान की देन है ये। एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी, और उसमें एक शॉट ऐसा था कि भगवान दादा को मेरे मुंह पे थप्पड़ मारना था। कमबख्त ने इतनी जोर से मारा कि मेरी आंख डैमेज हो गई और आज तक ठीक नहीं हो पाई। लेकिन अब मुझे आदत हो गई है, क्योंकि यही एक बड़ी आँख और एक छोटी आँख मेरी यानी ललिता पवार की आइडेंटिटी बन गई है। ऐसी बातें भी मैं आपको बताती रहूँगी। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।